गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड सबुदिन परी आज भी नहीं आसी देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर से खबर गुड़िक मधुर रही ड्राइविंग लाइसेंस पाई ऑनलाइन रे दाखल करें डाक्तरी प्रमाणपत्र पेटीएम विरुद्ध में आरबीआई रो बड़ कार्यानुष्ठान एप्रिल 1 रो पीएफ अकाउंट रे लागू हेबो नुआ नियम अंगनवाड़ी कर्मी को पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई बैंक अकाउंट रो सुरक्षा करबा सहज उपाय हो जाइछि। चलित वर्ष ऑफलाइन रे मैट्रिक परीक्षा दिन को गोटे विषय लेखाएं परीक्षा हेबो। आज पुणी बढ़ी सुनार एवं रूपार दाम पुणी चर्चा रे पेंशन योजना चासी भाई को नहीं बड़ घोषणा रही सहित तो आहरी अनेक खबर रही जहां आपण माने जानिबा निहाती जरूरी तबे किसी समय दे वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल को नुआ करी आसिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहाँफल कि डेली न्यूज सहित लेटेस्ट न्यूज अपडेट सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंच पारिबो। तबे आसंतु जानिबा आज खबर गुड़ी को कौन रही तबे प्रथम खबर टी आसुछि ड्राइविंग लाइसेंस पाई ऑनलाइन रे दाखल करि परिबे डाक्तरी प्रमाणपत्र। डाक्तरी लाइसेंस प्रदान पाइबापी आवेदन करुथिबा व्यक्तिक डाक्तरी प्रमाणपत्र किंबा एहार नवीकरण को निजे जाई करिबा परिवर्त्ते ऑनलाइन रे दाखल करि परिबे। ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा प्रक्रिया को सहज करिबा तथा परिवहन कार्यालय रे गहली ह्रास करिबापी ओडिसा सरकारक पांचटी नीति अनुजाई इलेक्ट्रॉनिक भाबे फॉर्म 1 रे मेडिकल सर्टिफिकेट ग्रहण करने को निष्पत्ति नियाजाइछि। सारथी पोर्टल रे आवश्यक सुविधा जुगाई दे जाइछि जेउठारे कि डाक्तरी माने सीधा सड़क मेडिकल सर्टिफिकेट दे परिबे। आरटीओ कार्यालय रे निजे उपस्थित रही मेडिकल सर्टिफिकेट दाखल करने को प्रक्रिया को दूर करा जाइछि। तबे परवर्ती खबर के सूची पेटीएम विरुद्ध रे रिजर्व बैंक रो बड़ कार्यानुष्ठान नुआ ग्राहक संग्रह उपरे रोक लागिछि। तबे डिजिटल पेमेंट तथा ई कमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछंती भारतीय रिजर्व बैंक। तबे परवर्ती आदेश पर्यंत कोनोसी नुआ ग्राहक जोग न देबाकू कहिछंती पेटीएम को निर्देश देइछंती। तबे एहा सहित निज आईटी सिस्टम रो संपूर्ण ऑडिट पई एक स्वाधीन आईटी ऑडिट संस्था को नियुक्त करबाकू रिजर्व बैंक निर्देश देइछंती। तबे ए संपर्क रे रिजर्व बैंक पक्षरु एक सर्कुलर जारी करी सूचना दिया जाइछि। बैंकिंग रेगुलेशन आईन रो धारा 35 क अनुजाई एही कार्यानुष्ठान निया जाइछि। एही निर्देश को तुरंत लागू करबाकू बैंक को कहा जाइछि। बैंक रो केतक व्यवस्था को नै चिंता प्रकाश करबा परे एही कार्यानुष्ठान निया जाइछि। तबे परवर्ती खबर के सूची एप्रिल 1 रु पीएफ अकाउंट रे लागू हेबो नुआ नियम। नुआ वर्ष रे बदलुछि पीएफ रो पुरुणा नियम। तबे एही नियम अनुजाई 1,23,000 लोकक उपरे एहार प्रभाव पड़िबो। टैक्स कारबार को ध्यान रखी एही परे निष्पत्ति निया जाइछि। हाई इनकम इंडिविजुअल माने बा धनी श्रेणी व्यक्ति मानक उपरे एहार बड़ प्रभाव पड़िबो। सरकार कहिबा अनुसारे एही श्रेणी लोक मानक वर्षक मध्य 50 लाख टंकारु अधिक इनकम सुधरु ही करुछंती। तेबे जहाँ उपरे कोनोसी टैक्स लागू नाही तेबे नुआ नियम अनुजाई एबे एही इनकम उपरे रोक लागिबो। एबे पर्यंत पीएफ योगदान रे मिलुथिबा सुध उपरे कोनोसी टैक्स लागू नथिला। तेबे एहाकु दृष्टि रखि प्रोविडेंट फंड नियम रे परिवर्तन करा जिवो। यार पूरा प्रभाव आपणकर पॉकेट उपर पड़िबो। चलित वर्ष रे जदि आपणकर पीएफ खाता रे 2.5 लाख टंकारु अधिक टंका निवेश करुछंती तबे एहा उपर आपणकु टैक्स देबाक पड़िबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2021-22 रो बजेट अधिवेशन रे एही निष्पत्ति नैछंती। तबे परवर्ती खबर के सूची अंगनवाड़ी रे नियुक्ति पई जारी होईछि विज्ञप्ति। नुआ प्रार्थी एवं कर्मचारी को आवेदन पई आमंत्रण करिछि कर्णाटकर अंगनवाड़ी। तबे एहार 17 पदवी पई वैकेंसी रही यार शेष तारीख रही मार्च 31 तारीख। बयस रहा दरकार मिनिमम 18 मैक्सिमम 45 वर्ष एवं आपण माने एही वेबसाइट रे आपण माने करि परबे जे आवेदन जहाँकि अंगनवाड़ी recruit.kar.nic.in किंबा wcd.karnataka.gov.in। तबे परवर्ती खबर टी आसुछि बैंक अकाउंट रो सुरक्षा पई आधार कार्ड को करिबे लॉग। तबे एहापाई आपण को UIDAI सर्भर आपणकर बायोमेट्रिक तथ्य को लॉक करी आपण आपणकर आधार कार्ड को सुरक्षित रखिपारे जेतेबे भी आवश्यक पड़े आपण यह अनलॉक करें। ऑनलाइन रे आपणकर बायोमेट्रिक तथ्य को लॉक करने सर्वप्रथमे आपण को UIDAI रो वेबसाइट को जिबाक पड़िबो। मो आधार एवं आधार सेवा अधीन रे आधार लॉक और अनलॉक सेवा उपरे क्लिक करिबाक पड़िबो। आपणकर बायोमेट्रिक तथ्य को लॉक करने लॉक UID चयन करने पड़ो। 12 अंक विशिष्ट आधार संख्या को प्रवेश करने को पड़ो। आपणकर पूरा नाम एवं पिन कोड एंटर करने को पड़ो। वर्तमान सुरक्षा कोड एंटर करने को पड़ो।
पठाइथिबा ओटीपी उपरे क्लिक करिवे एवं एंटर करिवे। पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा एसएमएस द्वारा ओटीपी पठाजिवो। जांच हेबा परे स्क्रीन उपरे एक मेसेज मिलिवो जेउथिले लेखाजिवो आपनकर आधार सहित सफलतार लॉग होइ जायछि। तबे परवर्ती खबर के सूची पीएम किसान चासिंग को पाई खुशी खबर। ई केवाईसी रो डेडलाइन बढाइ छंती केंद्र सरकार। तबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे केंद्र सरकार देशर कृषकों को अकाउंट को वार्षिक 6000 टका पठाउ छंती। प्रति 4 मास रे चासिं को अकाउंट को 2000 टका ट्रांसफर कर जाउ छी। वर्तमान सुद्धा एही योजना रो 10म किस्ती चासिं को अकाउंट को आसी सै छी। एहारी मध्य रे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे पंजीकृत चासिं को पई आसी छी खुशी खबर। एही योजना रे लाभ उठिबा पई बाध्यतामूलक होइतिबा ई केवाईसी रो गाइडलाइन बढाइ छंती केंद्र सरकार। एबे 22 मई 2022 सुद्धा ई केवाईसी पूर्ण करि परिबे। पूर्वरु एहारो डेडलाइन 31 मार्च 2022 थिला। एहा सहित खूब शीघ्र एही योजनार 11तम किस्ती चासिं को अकाउंट को पठा जिवो। तबे पीएम किसान पोर्टल रे कहा जाय छि जे आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण पई चासी भाई मानकु किसान कर्नर रे ई केवाईसी विकल्प उपर क्लिक करबा को पड़िबो। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पई निकटतम सीएससी सेंटर जिवा को पड़िबो। एही काम घरे बस। तबे परवर्ती खबर के आसी एलआईसी रो एक पॉलिसी अच्छी जेउथिरे कि प्रति मास रे मिलबो 12000 टंका पेंशन। तबे कंपनी लोकों को पेंशन सहित जड़ित आवश्यकता को ध्यान रखी एलआईसी सरल पेंशन प्लान आरंभ करिछि। जदि आपण निकटरे अवसर नैछंती एवं आपण को पीएफ फंड एवं ग्रेच्युटी टंका मिलिछि तबे आपण एही प्लान रे निवेश करि परिबे एवं प्रति मास रे पेंशन पाई परिबे। एथिपे आपण को एन्युटी किनिबा को पड़िबो। एलआईसी कैलकुलेटर अनुसार जदि आपण 30 लाख टंका रो एन्युटी किनुछंती तबे आपण को प्रति मास रे 12388 टंका रो पेंशन मिलिबो। तबे एन्युटी किनिबा पई व्यक्ति को वयस सर्वनिम्न 40 वर्ष होइतबा दरकार सेबली सर्वाधिक 80 वर्ष होइतबा दरकार। आपण सर्वनिम्न 12000 टंका रो वार्षिक एन्युटी किनि परिबे। अवश्य एथिरे निवेश करबा पई कोनोसी सर्वाधिक सीमा रखा जाइनी। केही भी व्यक्ति एही प्लान अनुसार थरे प्रीमियम भरिबा परे वार्षिक 6 मास किंबा 3 मास आधार रे पेंशन पाई परिबो। तबे परवर्ती खबर के सूची 250 टंका बढिला गैस सिलिंडर रो दाम। 19 केजी वाणिज्यिक उद्देश्य रे व्यवहृत सिलिंडर उपरे एही दाम 250 टंका बढिछि। दाम वृद्धि परे नील रंगर एही सिलिंडर रो दाम 2253 टंका रे पहुचिछि। कमर्शियल सिलिंडर रो दाम वृद्धि पाइबा परे कोलकाता रो दर 2351 टंका, मुंबई रे 2205 टंका, चेन्नई रे 2406 टंका होई जाई छी। एहा पूर्वरु मार्च 1 रे मध्य कमर्शियल सिलिंडर दाम 105 टंका बढ़िथिला। एतद व्यतीत मार्च 22 रे सरकार घरोई गैस सिलिंडर दाम वृद्धि करबा परे कमर्शियल सिलिंडर दाम 9 टंका सस्ता करिसंती। सूचना योग्य जे पूर्वरु मार्च 22 रे गैस कंपनी घरोई सिलिंडर बा 14.2 केजी सिलिंडर दाम 50 टंका बढ़ाई थिले जहाँ परे दाम एबे 949 टंका होई जाई।